गालियां देते रहते हैं। भाइयों और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी, और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था, तो डॉक्टरों को चिंता हुई, बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है, तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था, तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे, ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे, कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी, लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है, यहां खनन माफिया भी बेलगाम चल रहा है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर झूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर वन बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है।
साथियों, पंजाब वीरों की धरती है, पंजाब शौर्य की धरती है, पंजाब पराक्रम की धरती है, पंजाब पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था, हिंदुस्तान के हर सैनिक का अपमान था। यही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेनाओं से सबूत मांगे थे। यही लोग हैं नेहरू के जमाने की 62 की लड़ाई में चीन को क्लीन चिट देकर भारत की फौज का आए दिन अपमान करते रहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हमारी सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। याद कीजिए, देश आजाद हुआ तब से जीप घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, आर्मी के लिए ट्रक घोटाला हो, इन लोगों ने हर मौके पर देश की सेना की जरूरतों की चिंता नहीं की, देश की सेना की शक्ति की चिंता नहीं की। इन्होंने लूटने की योजनाएं बनाई, चोरी करने की योजनाएं बनाई, भ्रष्टाचार करके देश के खजाने को खाली करने की योजना बनाई है। ये लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यही लोग हैं जिन्होंने बरसों तक सेना के अंदर एकरूपता एकात्मता लाने के लिए सीडीएस पद के गठन को लटका कर रखा। यही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स नहीं होने दिए। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे पूर्व फौजियों को वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी 40 साल तक झूठ बोला। भाइयों बहनों, और कैसा झूठ, ये सेना के जवानों की आंख में कैसी धूल झोंकते हैं। और मुझे याद है 2013-14 के चुनाव में यहां पंजाब में आकर के पूर्व सैनिकों के साथ छोटी छोटी अपनी मीटिंगें करके हवा फैलाते थे कि ओआरओपी कर दिया। कैसी बेईमानी की जरा। मैं पंजाब तो पूर्व सैनिकों की धरती है, हिमाचल पूर्व सैनिकों की धरती है, मैं जरा बताना चाहता हूं इन्होंने क्या किया। मैंने 2013 में जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो मैंने रेवाड़ी में सबसे पहली पूर्व सैनिकों की रैली की। उस रैली में मैंने घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। तो ये घबरा गए, बोले मोदी ऐसी चीज लाया है कि मर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आनन फानन में 500 करोड़ रुपया रख करके बोल दिया कि ओआरओपी लागू। ऐसा झूठ आप देखिए, जब मैंने इसको लागू किया 1,25,00,000 करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों के खाते में जमा किए, 1,25,00,000 करोड़ रुपया तब वो आरोपी हुआ है। ये 500 करोड़ में खेल खेलते थे, यानी कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। भाइयों बहनों, मोदी का लक्ष्य
भारत की सेनाओं को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना है, सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन मोदी के इस अभियान से इंडी वालों की काली कमाई के रास्ते बंद होते हैं, इसलिए ये मोदी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और भाइयों बहनों, साफ है, सेना बनती है तो हमें हर चीज में ध्यान रखना होता है कि मुकाबला किससे करना है, लड़ाई होगी तो किसके साथ होगी, युद्ध होगा तो किसके साथ होगा, उसकी ताकत क्या है, उस हिसाब से हमारी की सेना को तैयार करना होता है। सिर्फ 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं की जाती है, सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की, अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी सात पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। भाई और बहनों, गरीब का ये बेटा, हर गरीब को, दलित को, पिछड़े को विकास की नई ऊंचाई देना चाहता है। आने वाले 5 साल मेरे किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए, मेरे गरीब भाई बहनों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, हमारे नौजवानों को नए अवसर देने के लिए और हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट समय होने वाला है। आजादी के 75 साल में जैसा समय नहीं आया, वैसा समय आने वाले 5 साल में आने वाला है। और इसलिए चुनाव की मेरी आखिरी सभा में गुरु रविदास जी की पवित्र भूमि से, गुरुओं की पवित्र भूमि से, वीर बलिदानियों की पवित्र भूमि से मैं देशवासियों को कह रहा हूं, आखिरी चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, भारी मतदान कीजिए और जहां जहां भाजपा एनडीए के उम्मीदवार है वहां भारी बहुमत से विजयी बनाइए। 400 पार का आखिरी जो काम है वो आखिरी तबके के मतदाताओं के पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सौभाग्य जाने नहीं देंगे। आपसे 1 जून को पंजाब की हर सीट पर कमल खिलाने के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, मैं आपसे सहयोग मांगने आया हूं। होशियारपुर से बहन अनीता सोम प्रकाश जी और आनंदपुर साहब से मेरे पुराने साथी कार्यकर्ता सुभाष शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, मुझे आपसे जवाब चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में विजय दिलाएंगे, गांव गांव कमल खिलाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं पूरी ताकत से बोलो तो बताऊंगा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरा काम करेंगे। देखिए, यहां से जाने के बाद अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जो भी देवस्थान हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर जाना और मोदी की तरफ से वहां माथा टेकना और हमें गुरुओं से आशीर्वाद चाहिए।